हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस कहानी के लेखक हैं राहुल ठकराल। यूं तो हर जन्म की कहानी उसी जन्म में खत्म हो जाती है, पर कुछ कहानियां अगले जन्म तक भी। मुंबई की मशहूर सिंगर रिद्धि हिमाचल के एक शहर सितमगढ़ में होने वाले 3 दिन के प्रोग्राम में जाने के लिए अपने कपड़े पैक कर रही थी। रिद्धि के साथ उसका बॉयफ्रेंड नितिन भी जा रहा था, पर वो अभी मोबाइल चला रहा था। यू नो नितिन, मैं सितमगढ़ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इतने सालों बाद सितमगढ़ जाने का मौका मिला है, पर पता नहीं, मेरे पापा जब मैं 1 साल की थी तभी वहाँ से मुझे मुंबई लेकर आ गए थे। मैंने सिर्फ वहाँ का नाम ही सुना है। अब जाकर देखते हैं कैसा है सितमगढ़। क्या तुम सितमगढ़ से हो? तुमने कभी बताया नहीं रिद्धि। रिद्धि ने नितिन को एक तकिया फेंक कर मारा और बोला, तुम्हें अपने मोबाइल से फुर्सत मिले तो ना, कितनी बार बताया है, हर बार भूल जाते हो। जल्दी से अपना सामान पैक करो वरना यहीं छोड़ जाऊंगी। नितिन और सिद्धि दोनों अपना सामान पैक करते हैं और एयरपोर्ट निकल जाते हैं। हिमाचल से फिर सितमगढ़ दोनों कार से जा रहे होते हैं। रिद्धि और नितिन दोनों सितमगढ़ के आसपास फैली हरियाली को देखते जा रहे थे। सितमगढ़ घने जंगलों, झरनों, प्रकृति की गोद में बसा हुआ शहर। रिद्धि सितमगढ़ पहुंचते ही सीधा अपना लाइव प्रोग्राम देने पहुंच जाती है। रिद्धि अपना प्रोग्राम करती है, उसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर रिद्धि और नितिन को एक होटल के बाहर ले जाता है और कहता है, मैम ये आपके ठहरने का होटल कमल राज पैलेस। मैम ये सितमगढ़ का सबसे महंगा होटल है और ये कोई छोटा मोटा होटल नहीं है। ये पहले एक राजमहल हुआ करता था, फिर इसको एक होटल में बदल दिया। अभी इसके मालिक राजा कुंवर सिंह है, जो कि सितमगढ़ के राजाओं के ही वंशज है। नितिन और रिद्धि दोनों होटल देख रहे थे। कमलराज पैलेस जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका नजारा। आगे खुला मैदान, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जिसमें तैरती हुई बतखें और एक कुआं। रिद्धि उस होटल को देखकर ही मोहित हो गई। ऐसा लगा जैसे रिद्धि को कोई उस होटल में लाया नहीं है, रिद्धि खुद चलकर आई है। रिद्धि और नितिन दोनों होटल के अंदर जा रहे होते हैं, तभी एक काली बिल्ली रिद्धि और नितिन का रास्ता काट देती है। रिद्धि डर जाती है। नितिन हंसते हुए कहता है, डर गई, एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से डर गई। शट अप नितिन। होटल के अंदर रूम में जाते ही नितिन बेड पर गिर जाता है। हे भगवान, थक गए आज तो, मुझे कब से इस बेड का इंतजार था, अब मैं इस बेड पर बस सोता ही रहूंगा। नितिन ऐसा कह ही रहा था तभी उसने देखा कि रिद्धि वहां नहीं है। नितिन रूम से बाहर आया, रिद्धि बाहर बनी बालकनी में खड़ी है और बाहर देख रही है। ओहो रिद्धि, तुम भी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो और फटाफट कुछ ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लगी है। नितिन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ? सब कुछ देखा देखा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इस पैलेस से मेरा कोई पुराना रिश्ता हो। ओह कम ऑन रिद्धि, ऐसा कुछ नहीं है, चलो अभी अंदर, अब रात होने को आई है। नितिन और रिद्धि दोनों कमरे में आ जाते हैं, फिर दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रिद्धि और नितिन दोनों सो रहे थे तभी रिद्धि उठती है और बाहर चली जाती है। जैसे ही रिद्धि अपने रूम से बाहर आती है, उसे अपने रूम के सामने एक रूम और दिखता है। उस रूम के दरवाजे के बाहर एक सितार बना हुआ था। उसे देखकर रिद्धि बहुत आकर्षित हुई। रिद्धि रूम की तरफ चली गई। रिद्धि ने उस रूम का दरवाजा खोला। वो रूम बहुत सजा हुआ था। रूम की दीवारों पर बहुत सारे सितार बने हुए थे और उस रूम के अंदर बना हुआ था एक सुंदर स्त्री का चित्र। जैसे ही रिद्धि ने उस सुंदर स्त्री के चित्र को देखा, रिद्धि को कुछ याद आने लगा।
जैसे वो कोई दरबार में बैठी है और कोई संगीत गा रही है। राजा मंत्री सब उसकी वाह वाह कर रहे हैं। एक बांका नौजवान उसके संगीत पर जोर जोर से तालियां बजा रहा है। तभी रिद्धि के कानों में एक शोर सुनाई देता है और वो याद वापस धुंधली होकर गायब हो जाती है। रिद्धि, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? नितिन, तुम यहाँ कब आए? मैं तो पानी पीने के लिए उठा था, फिर देखा कि बगल में तुम नहीं हो तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नींद नहीं लग रही थी तो सोचा थोड़ी देर टहल लूं, फिर टहलते टहलते यहाँ तक आ गई। अब चलो सो जाओ, चलो। रिद्धि वापस अपने कमरे में आ जाती है और सोने के लिए आंखें बंद करती है। थोड़ी देर में रिद्धि के सपने में रिद्धि दरबार में बैठी है और कोई संगीत गा रही है। राजा मंत्री सब उसकी वाह वाह कर रहे हैं। एक बाका नौजवान उसके संगीत पर जोर जोर से तालियां बजा रहा है। फिर उसको एक खून से भरा कुआं, काली बिल्ली और खून से सनी तलवार दिखाई दी। रिद्धि चीख कर उठ जाती है। क्या हुआ रिद्धि, तुम चीखी क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, वो हाँ, क्या हुआ बोलो भी। वो तलवार, काली बिल्ली। अरे यार रिद्धि, तुम भी ना गजब करती हो। सुबह जंगली बिल्ली दिखी थी और बाहर कुआं देखा था और आसपास तलवार देख ली तो डर गई। क्या यार रिद्धि, तुम भी ना। अगले दिन सुबह उठे तो देखा रिद्धि को बहुत जोर का बुखार था। रिद्धि का उस दिन का लाइव प्रोग्राम कैंसिल हो गया। रिद्धि टहलते टहलते होटल के आंगन में बने कुएं के पास आ गई। रिद्धि ने उस कुएं के अंदर देखा और फिर रिद्धि जोर से चीखी, क्योंकि उसने देखा कि एक सिरकटी लाश उस कुएं के पानी में तैर रही है और उस कुएं का सारा पानी लाल है। रिद्धि की चीख सुनकर एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या 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 हुआ मैडम? लाश, इस कुएं में एक लाश है। नौकर ने कुएं के अंदर देखा, उसका पानी बिल्कुल साफ था, उसमें कोई भी लाश नहीं थी। मैडम, आप भी सुबह सुबह मजाक कर रही हैं, देखिए कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर। रिद्धि ने फिर जैसे ही उसके अंदर देखा तो कुछ भी नहीं था। देखिए मैडम, आप ही देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। कुआं बड़ा अच्छा है, बस हम इसका पानी का भी इस्तेमाल नहीं करते। पर क्यों? पता नहीं मैडम, इस कुएं के पानी में ऐसी क्या बात है, जितने भी हमारे गेस्ट ने इसका पानी पिया है वो कुछ दिन बाद बीमार हो गया। फिर हमारे होटल के मालिक राजा कुंवर सिंह ने पानी के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया, तब से इसका पानी कोई नहीं पीता। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ, आपका नाश्ता आपके कमरे में रख दिया है। ऐसा कहकर नौकर वहां से चला जाता है। नौकर के जाते ही रिद्धि फिर से कुएं के अंदर झांकती है और आखिर क्यों रिद्धि को लग रही है वो जगह जानी पहचानी? रिद्धि के सपनों में आने वाला वो बांका नौजवान कौन है? क्या है उस कुएं से रिद्धि का रिश्ता? जानेंगे अगले एपिसोड में। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।